हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और आज मैं आप लोगों को काउंट ऑफ फंक्शंस बताने वाली हूँ। इसमें क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं मल्टीपल कंडीशन के बेस पे। अगर मैंने आपने मेरी काउंट की पहले की वीडियोस नहीं देखी तो एक बार देख लीजिए, आप गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको बहुत सारी कंडीशंस में काम करने का मौका मिले। ठीक है, आज हम इसमें काम करेंगे। हमारे पास क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है चीज़, ब्रेड, ओनियन, इनके इतने कितने स्टॉक्स पड़े, 25, 30, 25। ठीक है, और सोल्ड कितना हुआ है वो शो करवा सकते हैं। मुझे जानना है मेरे स्टॉक में ऐसा क्या है जो फुल पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप, काउंट इफ्स करेंगे हम लोग। ठीक है, ये ले लेंगे हम अपना स्टॉक और इसमें हमें क्या ढूंढना है, जिसकी वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0 से ऊपर होनी चाहिए, मतलब वो स्टॉक पर होना चाहिए ना, तभी तो आप काउंट करोगे कि वो है कि नहीं है, बिका या नहीं बिका। ठीक है, और दूसरी हमने कंडीशन क्या ले ली, जो 0 के बराबर है। ओके, सिलेक्शन किया, एंटर मारा, आंसर आ गया 1 है। ये देखो 30 स्टॉक में पड़ा था लेकिन 0 तक आपका रहा। ठीक है, नहीं बिका। नेक्स्ट लिया मैंने काउंटर्स। मैं क्या, अब क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टॉक में तो है वैल्यूज़, ठीक है, जो कि 0 से ऊपर है, लेकिन कितनी वैल्यूज़ ऐसी हैं जो फा चाहिए, और सोल्ड कितना हुआ है आपका, यहाँ पे लिख सकते हो आप लेस देन 5 से नीचे सोल्ड हुआ है। ठीक है, ये 10 से नीचे हुआ है, आपकी इच्छा है कुछ भी लगा सकते हो। मैंने 10 से नीचे कितनी वैल्यूज़ है, अगर 10 से नीचे सोल्ड हुई है, 2 वैल्यूज़ ऐसी हैं, एक तो ये वाली है जो कि विकी नहीं है, और दूसरी ये वाली है जो 5 थी। ठीक है, तो ऐसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपने छोटे छोटे फंक्शंस के थ्रू कि हमारे स्टॉक में कितना है और कितना आपका बिका उसके हिसाब से। ओके, दूसरा क्या आता है आपका, समझ लो एक सेल्स पर्सन है अमर, जिसने क्वार्टरली अपनी परफॉर्मेंस दी है और क्वार्टरली अपना जो सेल्स का वो था आपका, क्या कह सकते हैं उसको, टारगेट था, वो पूरा किया है। ठीक है, तो जहाँ पे यस लिखा है वो टारगेट पूरा हुआ है, जहाँ पे नो लिखा है उस टाइम पे क्वार्टरली उसने टारगेट पूरा नहीं किया। तो मैं जानना चाहती हूँ मेरे अमर ने कितना टारगेट पूरा किया था और कितना नहीं। ठीक है, तो काउंट इफ्स लगाओगे, दिस इज़ योर क्राइटेरिया, चेक कर लोगे यहाँ पे कौन सा इक्वल टू यस के बराबर है, आपको शो कर देगा 2, यानी 2 क्वार्टर ने उससे पूरा किया था। ठीक है, अगर मैं टोटल सबका जानना चाहती हूँ क्राइटेरिया, कि कितने ऐसे बंदे हैं जिन्होंने सारों में ही कंप्लीट किया अपना क्राइटेरिया, ठीक है, तो इक्वल टू भी लगा सकते हो आप, इक्वल टू के बराबर हो या जिसमें यस पड़ा हुआ। ठीक है, एंटर मारोगे शो कर देगा, सिर्फ 1 है, कौन, अजय। ओके, देखो यहाँ पे यस है, इसमें नो है, इस पे यस है, इसमें यस है, यहाँ पे जाके नो हो गया, यहाँ पे नो हो गया, यहाँ पे नो हो गया, यहाँ पे नो हो गया, यहाँ 2 यस है, यहाँ पे नो हो गए। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आता है मेरा दिस वन, यहाँ पे हमने नेम दे रखा है ABBCC नाम से, प्रोडक्ट दे रखा है आपका, प्राइस दे रखा है, क्वार्टर क्वांटिटी देखी है एंड टोटल दे रखा है। मुझे यहाँ से निकालना है CC, ढूंढना है स्कैनर जो कि 5000 से ऊपर बिकी हो। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, ठीक है, काउंट इफ्स देंगे हम लोग यहाँ पे और क्या करेंगे आपका CC ढूंढेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया हो गया मेरा। ठीक है, सेकंड क्राइटेरिया क्या था मेरा, प्रोडक्ट में स्कैनर को ढूंढना। थर्ड क्राइटेरिया क्या है मेरा, प्राइस में ग्रेटर देन। से ऊपर होना चाहिए, सिलेक्शन करेंगे, एंटर मारेंगे, शो कर देगा 1 है सिर्फ। ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हो, उसको बाहर निकालो ताकि आपका हाइड ना हो। कंट्रोल शिफ्ट एल, बता चुकी हूँ आप लोगों को लास्ट टाइम क्या ढूंढना था हमें, CC, स्कैनर और 5000 से ऊपर, राइट। क्लियर करना है यहाँ से, क्लियर फिल्टर, यहाँ से क्लियर फिल्टर या सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट एल। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ, ऐसे अब आप करके देखिएगा, कोई दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू सो मच।